तो कॉमन सेंस में यार वो लड़का तो गोरा है और उसे तो कोई भी लड़की पड़ जाएगी, ये यहाँ से हटा दीजिए। जो पूरे क्लास की ड्रीम होती है वो आपके बगल में बैठी होती है, आप ये अंदर ही अंदर फील करते हो कि हाँ ऊपर वाले ने भले आपको चाहे जैसा भी बनाया हो बट आपने अपनी मेहनत से खुद को इतना काबिल कर दिया। फिर वो जो सपने जो आप कभी देखा करते थे, अरे यार वो सवाल ही नहीं पैदा होता, बात ही नहीं हो सकती, वो जब आप आके आपसे बात करती है ना तो आपको लगता है कि हाँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल Ask Anything to सपना में। दोस्तों कॉमन सेंस में एक चीज आती है, वो होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सब में जरूरी है, आप में, मुझ में, इवन जितने भी लोग हैं सब में। अब जब कभी हम उस सेक्शन की तरफ जाते हैं, हम लव अफेयर अट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, तो हमारे अंदर एक बात आती है, हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के, हम अपने फेस कटिंग को लेकर के, फीचर्स को लेकर के, इवन अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत सोचते हैं यार मतलब मैं कैसे अच्छा दिखूंगा या दिखूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि सांवले लड़के या नॉर्मल लड़के बेहद खूबसूरत लड़की कैसे पटाएं, या वो आप ऐसा क्या करें, आपके अंदर ऐसा क्या हो कि वो आपसे बातें करें, आपको इम्पोर्टेंस दें, आपकी को तवज्जो दें और आपकी जरूरत को महसूस करें। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है कि नॉर्मल लड़के या सांवले लड़के बेहद खूबसूरत लड़की को कैसे पटा सकते हो। तो सबसे पहले हमारे वीडियोस को प्लीज आप लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको करना क्या है दोस्तों, संसार में एक चीज बहुत कॉमन है कि ऊपर वाले ने सबका स्ट्रक्चर अलग बनाया है, कोई बहुत लंबा, कोई थोड़ा छोटा, कोई बहुत गोरा, कोई बहुत काला, कोई बहुत फेयर है। ऐसा नहीं कि जो फेयर है तो कॉमन सेंस में आगे यार वो लड़का तो गोरा है और उससे तो कोई भी लड़की पड़ जाएगी, ये यहाँ से हटा दीजिए। कभी कभी ये होता है कि लड़कियों को बहुत ज्यादा गोरे लड़के नहीं अच्छे लगते। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि लड़कियों को बहुत ज्यादा गोरे लड़के बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और दूसरी चीज, कलर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए बट मीडियम टाइप का, मतलब बहुत फेयर अगर आप हो गए, बहुत टॉल हो गए, बहुत रिच लुक आपका आ गया, इवन आप उस कुछ टाइम के लिए आप अच्छे लग सकते हो, नो डाउट कि हाँ भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहली नजर में देखने के बाद यार कितना फेयर है, कितना हैंडसम है, कितना गोरा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको चाहने लगेगी, बहुत पसंद करने लगेगी, अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देने लगेगी, बिल्कुल नहीं। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एटीट्यूड। आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, खुद को कैसे रखते हो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर पे आप कितना ध्यान देते हो, आपकी रूटीन आप कैसे सेट करते हो, इवन आपके शूज, आपका ड्रेस सेंस, आपके बियर्ड, आपके हेयर स्टाइल, आपकी वॉच, आपका एवरीथिंग विच यू वेयर इन योर बॉडी, एवरीथिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट एंड एवरीथिंग इज रिप्रेजेंट योर पर्सनालिटी। सब कुछ आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी चीज है वो है आपका कॉन्फिडेंस। हाउ टू फेस दैट मोमेंट वेन अ गर्ल ट्राई टू टॉक विथ यू, वेन यू वॉन्ट टू टॉक विथ हर, जब आप उनसे बात करना चाहते हो, तो खुद का कॉन्फिडेंस मायने रखता है दोस्त। परिस्थिति कोई भी हो, खुद के अंदर एक डेयरिंग होनी चाहिए। डरते क्यों हैं और आपके अंदर ये बात कैसे आती है? कभी कभी है ना कि भाई सामने लड़कों ने या काले लड़कों ने ये बोल दिया कि यार ऐसा है, वो तो तेरे से बहुत बात करती है यार, तू थोड़ा सा बात करना, मेरे लिए भी अगर कोई अच्छी सी हो तो ज्यादा अच्छा है। अपने लिए संसार में सबको खुद ही जुगाड़ करना पड़ता है, अपने हिस्से का दाना इंसान को खुद मैनेज करना पड़ता है। कहते हैं ना, आपको चाहिए, आपकी लाइफ में सोनापन है, आप उस खालीपन को भरना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी होगी ना, कोई और क्यों करेगा। वो तो मस्त है क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी उसकी पार्टनर है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी दोस्त है। आपको चाहिए ना, तो खुद को इतना मेंटेन रखिए, इतना काबिल बनाइए, इतना सेल्फ स्ट्रक्चर स्ट्रांग रखिए, इतना कॉन्फिडेंट रखिए। व्हेनेवर यू बिकम वेरी स्मार्ट पर्सन, देन इट्स टोटली इजी टू टॉक विथ एनी गाय, एनी गर्ल्स विच इज सो मच स्मार्ट, ब्यूटिफुल एंड लुकिंग सो रिच। आप अपने आप को ऐसा रखिए, ऐसा बनाइए कि कोई भी आप पर जान देने को रेडी हो। दोस्तों खूबसूरती ऊपर वाले की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमें खुद को कैसे मेंटेन करना है, हमें खुद को कैसे रखना है, हमारे लिए क्या चीजें मायने रखती हैं, हम कलर कॉम्बिनेशन में क्या चुनते हैं। पता चला कि हमने रेड पहना है और रेड के साथ हम कोई और कलर ऐसे नॉर्मल सा पहन करके निकल जा रहे हैं, नहीं। कभी कभी लड़कियों को जो अट्रैक्ट करता है ना वो आपका कॉमन सेंस, किसी भी परिस्थिति में आप उसको डील कैसे करते हो। चलिए इमेजिन कर लीजिए कि एक क्लास में आप बैठे हैं, अचानक से आतंकवादियों का कुछ ऐसे हमला टाइप का हो गया या कोई ऐसे गया सबको परेशान करने के लिए, उस परिस्थिति में आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो, आपका आईक्यू लेवल कितना स्ट्रांग है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर के साथ साथ आपका कॉमन सेंस कितना स्ट्रांग है, आप डेयरिंग कितने हो, तो ये सारी चीजें मैनेज करती हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि आपको लोग कितना पसंद करते हैं, वो आपको कितना पसंद करती हैं। और हेजिटेशन हटाओ ना, क्या होगा, बहुत ज्यादा कोई लड़की इनकार करेगी ना, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक विथ यू,
मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, ठीक है नहीं करना चाहती कोई बात नहीं, ट्राई जस्ट ट्राई जस्ट ट्राई, कहते हैं ना कोशिशें कभी नाकाम नहीं होती, मंजिलें अगर ना मिले तो क्या फासले घट जाते हैं। आपको क्या करना है, जब तक आप बात नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा, हो सकता है वो भी आपको मानती हो सकता है वो भी आपको चाहती हो सकता है इसलिए ना बोल पा रही हो क्योंकि आपने कभी अपनी तरफ से पहल नहीं की है, ठीक है। तो अपने बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन कीजिए, खुद के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ईजाद कीजिए, खुद एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, किसी भी चीज में हिचकिचाइए नहीं, किसी भी चीज में डरिए नहीं, डेयरिंग रहिए। और अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको क्या करना है कि इन सारी चीजों पर पूरा ध्यान देना है, फिर सामने वाले का भी इंटरेस्ट आप समझते रहिए। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में एक बात बोलती हूँ आपको कि वो लड़की या जिस पर जिसको भी आप नोटिस करते हो क्लास में, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चाहती है, उसका नेचर क्या है, उस पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे ना तो ये बहुत ईजी होगा आपके लिए। ये मत सोचिए कि ऊपर वाले ने आपको कैसा बनाया है, बल्कि ये सोचिए कि आपको खुद को उस उतने से बनाए हुए को कितना और बेटर करना है। ट्राई जस्ट ट्राई जस्ट ट्राई, एक दिन आप देखते हो कि आप बहुत स्मार्ट बन के निकल रहे हो। खुद की पर्सनालिटी ग्रूमिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, और जब आप खुद की पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए काम करते हो ना तो सिर्फ एक लड़की, एक बेहद खूबसूरत लड़की नहीं, इवन कितनी बेहद खूबसूरत लड़कियां आपके सामने आके खड़ी होती हैं। खुद को इतना कैपेबल बनाइए ना कि जरूरत ही ना पड़े, हिम्मत ही ना पड़े किसी को आपको ना कहने की। आपको अपने आप पे काम करना होगा, दिमाग से ये फेयर अनफेयर, गोरा काला, नॉर्मल बहुत हैंडसम सो स्मार्ट, ये दिमाग से टोटल निकाल दीजिए। सब कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, सब कुछ आपके ट्राई टू ट्राई मोर हैंडसम पे डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। कि अगर आप जिस तरीके से आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो, कहते हैं अगर आपका नजरिया बेटर है ना तो आपकी नजर अच्छी हो जाएगी, और नजर अच्छी है तो नजरिया बेटर हो जाएगा। किसी भी चीज को देखने का आपका नजरिया, आप पॉजिटिव वे में लेते हो या नेगेटिव वे में लेते हो, किस तरीके से सोचते हो, चीज एक ही होती है, कुछ भी मतलब कहीं भी कोई भी चीज एक ही है, लेकिन अगर 10 लोग उसके बारे में जान रहे हैं ना, 10 लोग 10 तरीके की बातें करेंगे, आपका नजरिया क्या है उस चीज को लेकर के। मान लीजिए क्लास में टीचर ने एक सवाल किया कि तुम इस तरीके से इस चीज के बारे में क्या सोचते हो जैकी, तो जैकी का जवाब रहा कि सर मैं तो ये सोचता हूँ, सोहन ने कुछ और कहा, दीपक ने कुछ और कहा, सुरेश ने कुछ और कहा। आप जब उठते हो तो आपने कहा सर मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, इवन जब आपने जवाब दिया तो पूरे क्लास में क्लैपिंग हुई। वहां पे फिर आपका कलर नहीं आता कि आपका कलर क्या है, आपका लुकिंग क्या है, वहां पर आता है कि आपका कॉमन सेंस क्या है, आपका आईक्यू लेवल क्या है, आप होशियार कितने हो, आप स्मार्ट कितने हो, आप टैलेंटेड कितने हो। तो अगर आप बेस्ट कर सकते हैं तो आप वो शख्स हैं जिसकी हर लड़की को जरूरत है और हर लड़की जिससे फिर बात करना चाहती है। तो खुद के कलर से तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या वो मुझसे नहीं पटेगी, ये तो दिमाग से टोटल निकाल दीजिए। हाँ, खुद को बेहतर बनाइए, और जितना बेहतर आप खुद को बनाते हैं ना, आप पाते हैं कि दिन पर दिन जिंदगी उतना ही बेहतर इंसान से आपको मिलवाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि हो सकता है कि जो बहुत अच्छी लड़की हो क्लास में, जो बहुत खूबसूरत हो सकता है वो खुद चल करके आती है, फिर स्टडी में आपकी हेल्प लेती है, और धीरे धीरे वो पूरा क्लास देखता रह जाता है कि यार ये तो डस्की लुक का है, बहुत गुड लुकिंग भी नहीं है, लेकिन आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता, आपकी मेहनत, फिर वो दिन लेकर के आती है कि जो पूरे क्लास की ड्रीम होती है वो आपके बगल में बैठी होती है। आप ये अंदर ही अंदर फील करते हो कि हाँ, ऊपर वाले ने भले आपको चाहे जैसा भी बनाया हो, बट आपने अपनी मेहनत से खुद को इतना काबिल कर दिया। फिर वो जो सपने जो आप कभी देखा करते थे, अरे यार वो सवाल ही नहीं पैदा होता, बात ही नहीं हो सकती, वो जब आप आके आपसे बात करती है ना तो आपको लगता है कि हाँ मेरी मेहनत रंग लाई और मैं लगातार पढ़ता गया और वो दिन आया कि बस सब अप्रिसिएट कर रहे थे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, लगा होगा। बड़ी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज के इस वीडियो में क्या खास रहा, आपको क्या अच्छा लगा, हमें जरूर जानना चाहेंगे। नमस्कार।